लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। विकास को एक और शासकीय स्तर से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को दूध उपज के लिए बड़े पैमाने पर योजनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित किया जा रहा है, और दूसरी ओर उसी सरकारी कार्यालय के माध्यम से जब किसान नांदेड़ के दूध विकास कार्यालय में दूध लाते हैं अतिरिक्त दूध, तो उसे सरकारी अधिकारी खरीद नहीं लेते हैं, उनका दूध वापस लौटाया जाता है। इसलिए किसानों ने हाल ही में नांदेड़ के दूध विकास योजना कार्यालय में हजारों लीटर की दूध की नलियां बहाई है। ये पूरे नांदेड़ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र भर में किसानों ने, चाहे वो अपनी खेती का जो भी प्रोड्यूस है, अन्न धान्य भी रस्ते पे फेंका है, दूध रास्ते पे फेंका है, तरकारी रास्ते पे फेंकी है, तो सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान त्रस्त है। आत्महत्या का प्रमुख कारण यही है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, उसके लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और किसानों की तो पूरे महाराष्ट्र भर में ये हालत है, और सरकार सिर्फ घोषणा करती है कि आपके उत्पादन के ऊपर 50% आपको मुनाफा देंगे वगैरह, ये कुछ नहीं हुआ है। इसके वजह से आज लोग इस सरकार पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। जनसंघर्ष यात्रा से जो चौथा टप्पा पार हुआ है, ये तो काय फलित काय है? चांगलंच आहे ना, हे सगळे विषय म्हणजे बेरोजगारांपासून, शेतकऱ्यांच्यापासून आत्महत्या, शेतकऱ्यांच्या असल्यापासून, राजराजातील कायदा सुव्यवस्थेच्या विषयापासून, सगळ्याच जे विषय ज्या या सरकारने सांगितलेले होते किंवा या सरकारचं अपयश राहिलेलं आहे, ते अपयश लोकांसमोर मांडण्याचं आम्ही काम करत आहोत। शेतकऱ्यांच्या बेरोजगारांच्या भावना बुलंद करण्याचं काम आम्ही करत आहोत। आणि राज्यातले आता जवळपास शेवटचा टप्पा कोकणामधला आहे, तो 21 ते 25 आम्ही कोकणामध्ये आहोत, तिथे सुद्धा जाऊन या सगळे विषय आम्ही लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।